Now, in your textbook started our new chapter number 8, treat for mosquitoes. यहाँ पर पहले आपको छोटी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दी हुई है कि कैसे मॉस्किटोज से हमें बीमारी आती है. सो लेट्स सी हाउ टू स्प्रेड इलनेस विथ मॉस्किटोज. ओके, फर्स्ट ब्लड टेस्ट. आपको पता है कि ब्लड टेस्ट क्या होता है? अगर हमें कोई भी फीवर भी हुआ है, अगर ज़्यादा दो तीन दिन तक अगर हमें फीवर नहीं उतर रहा है हमें, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारा ब्लड टेस्ट कराते हैं. ब्लड टेस्ट के आपको सब बीमारियां पता चल जाती हैं कि क्या हमें हुआ है. तो नॉर्मली ब्लड टेस्ट से आपको पता चलता है कि हमें क्या कौन सी बीमारी हुई है, ताकि डॉक्टर को जो इलाज करने में पता चले कि क्या हमें बीमारी हुई. सो ब्लड हमारा ब्लड टेस्ट में लिया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है. उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती है उससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सी बीमारी हुई है. ओके, टॉपिक इज अ ब्लड टेस्ट. रजत इज बैक एट स्कूल टूडे. रजत नाम का जो एक बॉय है वो स्कूल से वापस आता है. ही हैड बीन एबसेंट फॉर मैनी डेज. यानी कि बहुत दिनों से रजत है वो स्कूल में एबसेंट है. अगर आपको फीवर हुआ है, कोल्ड हुआ है, यानी कि सर्दी खांसी भी हुई है, तो आप दो तीन दिन तक नहीं आते, रेस्ट करते हैं. तो रजत है वो बहुत दिनों के बाद स्कूल में वापस आया. हाउ आर यू नाउ, यानी कि उसकी जो फ्रेंड आरती है, आस्क्ड आरती, आती है उसने रजत से पूछा कि अब तुम कैसे हो, आप स्कूल आते हैं तो आपके फ्रेंड्स आपको पूछते हैं ना, हाउ आर यू नाउ, यानी कि अब आप कैसे हैं. आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाई सॉफ्टली, यानी कि बहुत ही सॉफ्टली रिप्लाई किया कि येस आई एम फाइन. उसकी फ्रेंड ने पूछा कि तुम कैसे हो, तो रजत ने भी कहा आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट नाउ, यानी कि फाइन है वो, अच्छा है. जसक्रीत, जसकिरा,
यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट व्हाइल यू वेयर एट होम। यानी कि उसका दूसरा फैन है जसकीरत, उसने पूछा कि तुम इतने दिनों तक घर पे थे तो तुमने बहुत सारे खेल खेले होगे, नहीं बहुत सारे तुम प्लेड यानी कि तुमने खेला होगा। रजत, वो वॉन्ट्स टू प्ले वेन यू हैव फीवर। यानी कि रजत ने कहा कि अगर हमें फीवर है, ताव बुखार जिसे हम कहते हैं, तो बुखार है तो कौन खेलने को, किसका खेलने का मन करेगा? अगर आपको फीवर है तो आप चुपचाप लेटे रहेंगे, सोते रहेंगे। तो रजत ने कहा कि कौन ऐसा है कि जिसको बुखार है तो वो खेलेगा। ऑन द टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन। यानी कि जब मुझे बुखार हुआ था, बिटर यानी कि कड़वा, आपको टेस्ट पता है बिटर का, बिटर यानी कि कड़वी दवाइयाँ, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, अगर और मैंने बहुत सारी कड़वी दवाइयाँ भी मुझे लेनी पड़ी है घर पे, मैंने रेस्ट भी किया और कड़वी दवाइयाँ भी ली। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट। यानी कि यहाँ तक मैंने ब्लड टेस्ट तक भी करवा लिया है, क्योंकि बहुत सारा जब फीवर होता है, दो तीन दिन तक हमें बुखार नहीं होता था तो हमें ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। तो रजत ने कहा कि मैं घर पे तो था बट मैंने कुछ भी खेला नहीं है, फीवर था मुझे बहुत सारा और कड़वी दवाइयाँ भी ली और ब्लड टेस्ट भी रजत ने करवाया है। देन जसकीरत, ब्लड टेस्ट, जसकीरत ने बहुत ही शौक के साथ पूछा, अरे ब्लड टेस्ट कराना पड़ा, वाई, क्यों, इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। यानी कि वो बहुत ही दर्दनाक होता है। तो रजत ने कहा, एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिंक्ड माय फिंगर इट फेल्ट लाइक एन एंट बाइट। यानी कि नहीं, इतना भी पेनफुल यानी कि दुखता नहीं है, क्योंकि जब आपके फिंगर में ऐसे सिर्फ नीडल में आपको ऐसे जो नीडल यानी कि सुई जिसे हम कहते हैं, तो सुई ऐसे टच करती है और हमें जब चींटी काटती है, आपने कीड़ी देखी होगी, चींटी एंट जितना काटती है उतना ही दर्द होता है, तो एंट तो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही सिर्फ हमें ऐसा टक होता है, तो उसी तरह जब ब्लड लिया जाता है तब एंट के बाइट करने तक जितना दर्द होता है उतना ही होता है, यानी कि इट्स नॉट मोर पेनफुल, यानी कि बहुत ही हमें दुखता नहीं है। तो आपको भी अगर कभी 2-3 दिन तक फीवर रहे तो आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड में सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स बूंद, जिसे हम आप पानी कितना 2 या 3 ड्रॉप्स होता है उतना ही 2 या 3 ड्रॉप्स ही हमारा ब्लड टेस्ट में ब्लड डॉक्टर लेते हैं। एंड सेंड इट फॉर टेस्टिंग, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लड ग्रुप पहले हमारा टेस्ट करते हैं कौन सी बीमारियाँ, उसके बाद हमें वो रिपोर्ट देते हैं, तो टेस्टिंग के लिए यानी कि कौन सी बीमारियाँ हुई है उसके लिए डॉक्टर ने टेस्ट करने के लिए फिर वो ब्लड भेज दिया। दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई एम मलेरिया। यानी कि जब उसका रिपोर्ट आया तब उसे पता चला कि उसको मलेरिया हुआ है। किसकी वजह से मलेरिया हुआ होगा? मॉस्किटोज की वजह से, क्योंकि जब मच्छर ऐसा कोई भी जहरीला मच्छर हमें बाइट करता है तभी हमें मलेरिया होता है। अच्छा, वन मोर थिंग कि मलेरिया का सिम्टम्स क्या है वो आपको आपको डिस्कस करने हैं आपके पेरेंट्स के साथ, ओके? देन नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि मलेरिया अगर हमें हुआ है तो अगर कैसे पता चलता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं कि अगर फीवर आते हैं, हमें पैर दुखते हैं, पूरा शरीर हमारा दुखता है, तो हमें पता चलता है कि कोई फीवर हुआ है इसलिए हमें हुआ है, तो ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। देन उसकी दूसरी फ्रेंड नैन्सी बोली, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। यानी कि उसने कहा कि अगर तुम्हें मॉस्किटोज ने बाइट किया है तभी तुम्हें मलेरिया होगा, क्योंकि विदाउट मॉस्किटोज बाइटिंग हमें मलेरिया नहीं होता। अगर हमें मलेरिया हुआ है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर पे बहुत सारे मच्छर है या फिर आपकी स्कूल में मच्छर है, उसके काटने की वजह से हमें मलेरिया हुआ है। तो इससे बन सके उतना मॉस्किटोज से दूर रहे यानी कि बचने की कोशिश करें। अभी तो मॉस्किटोज से बचने के लिए बहुत सारे लोशंस आते हैं, फिर कुछ अब तो कपड़े में रब करने से भी मच्छर हमसे दूर रहते हैं, ऐसे एक बोतल भी आती है तो आपको वो यूज़ करना चाहिए छोटे बच्चों को, तो हम मॉस्किटो से काटने से बच सकते हैं।
रजत यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, यानी कि पर पता तो हमें तब चला जब हमने ब्लड टेस्ट, रजत ने ब्लड टेस्ट कराया तब उसे पता चला कि उसे मलेरिया है. ओके देन और जस्ट के देर आर लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दिस डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया, यानी कि जसप्रीत ने पूछा कि मेरे घर पे भी बहुत सारे मच्छर हैं ये वाली सीजन में, तो मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. नैन्सी हू सेज दैट एवरी मॉस्किटोज बाइट कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि किसने कहा कि हर एक मॉस्किटोज जो बाइट करता है उसे मलेरिया ही होता है. ऐसा नहीं है कि सारे मॉस्किटोज जब हमें बाइट करते हैं तब मलेरिया ही होता है, क्योंकि मलेरिया के जो मॉस्किटोज है वो बहुत ही जहरी होते हैं. अगर वो हमें बाइट करे तभी हमें मलेरिया होता है, क्योंकि रेगुलरली हमें मॉस्किटो मच्छर काटते ही है बट हमें मलेरिया नहीं होता, क्योंकि सारे मच्छर होते हैं वो मलेरिया के नहीं होते हैं. ओके तो आपको ऐसा नहीं कहना है कि अगर मुझे मच्छर ने काटा है तो मलेरिया हो गया है, नहीं. अगर आपको मच्छर ने काट लिया है, आपको पता है कि मच्छर ने काटा है, उसके बाद अगर आपको फीवर आता है तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि यस ये मुझे मलेरिया के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आपको इमिडिएटली आपको ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस भी लेनी चाहिए और पूरा रेस्ट करना चाहिए. तो आगे हम देखेंगे कि कैसे पता चलता है कि हमने मलेरिया वाले मॉस्किटोज ने काटा है. ओके तो नैन्सी ने कहा कि किसने कहा कि सब मॉस्किटोज अगर सारे मच्छर हमें बाइट करे तो मलेरिया ही होता है. मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज. आरती ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी, यानी कि आरती नैन्सी ने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टाइप के मलेरिया होते हैं वही कुछ टाइप के जो मॉस्किटोज होते हैं वही मलेरिया स्प्रेड करते हैं. तो आरती ने कहा कि सब मॉस्किटोज एक जैसे ही लगते हैं लाइक मी, यानी कि जैसे हम लोग सेम लगते हैं उसी तरह मच्छर तो आप देख नहीं सकते कि उसका फेस कैसा है, वो तो सारे सेम ही होते हैं. रजत देर आर मस्ट बी सम डिफरेंस, यानी कि कुछ डिफरेंस होते हैं. नाउ टर्न योर पेज, यहाँ पर देखो टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड्स फॉर द टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटोज एनिफोलिसिस, यानी कि जो फीमेल मेल और फीमेल को आपको पता है लड़का है और लड़की, यानी कि फीमेल यानी कि कोई गर्ल मॉस्किटो मच्छर हमें काटता है तब ही हमें मलेरिया होता है. एनोफिलिस नाम का जो मच्छर है वो हमें काटता है तब हमें मलेरिया होता है. डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड्स अंडर द माइक्रोस्कोप, दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 times बिगर, द डिटेल्स इन साइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, देर आर सम माइक्रोस्कोप विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन, यानी कि माइक्रोस्कोप में जब हम स्लाइड देखते हैं तो बहुत ही बड़ी होती है और उसमें बहुत सारे भी जर्म्स और सब दिखता है. तो डॉक्टर मरियम है उसने ब्लड स्लाइड्स में सब कुछ देखा. नैन्सी डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो एंड बीटन यू. ओके तो नैन्सी ने पूछा कि क्या हमारा ब्लड है वो हमें जहाँ पर मच्छर काटा है वहीं से ब्लड लेते हैं. अगर मुझे यहाँ पर मच्छर काटा है तो क्या यहाँ से ब्लड लेंगे, यहाँ पर मच्छर काटा है तो यहाँ से ब्लड लेंगे. रजत ऑफ कोर्स नॉट, यानी कि नहीं, क्योंकि कहाँ पर मच्छर काटा है वो हमें थोड़ी पता होता है कि कब मच्छर हमने मॉस्किटोज ने हमें बाइट किया है, कहाँ से मच्छर काटा है. ऑफ कोर्स नॉट, वहाँ से थोड़ी ना ब्लड लेते. हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर कि मॉस्किटोज बीट मी, यानी कि मुझे थोड़ी पता है कि कहाँ पर और कैसे मुझे मच्छर ने बाइट किया है. तो ऑफ कोर्स नॉट कि हमें जहाँ पर मच्छर ने काटा है वहाँ से हमारा ब्लड टेस्ट यानी कि खून लिया जाएगा. नैन्सी बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड अ मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट, यानी कि तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा ब्लड टेस्ट किया है तो उसमें मलेरिया ही है. यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. देखो ऐसे ब्लड टेस्ट करते हैं, फिंगर से 2-3 drops हमारा ब्लड लेते हैं स्लाइड में और उसके बाद ब्लड टेस्ट हमारा होता है और उसके बाद रिपोर्ट्स के द्वारा हमें पता चल जाता है. ये जो थे वो पहले लिया करते थे, अभी लेते हैं बट अब तो इन सुई से सीधा हमारा ब्लड ले लेते हैं और डायरेक्टली रिपोर्ट हमारा हो जाता है.
बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? तो आपको पता है कि क्या हमें देखने को मिलता है ब्लड में? यहाँ पर देखो, मॉस्किटो की पिक्चर दिखाई दी है, फाइंड आउट किया है. डू यू नो एनी वन हु हैज़ हैड मलेरिया? यानी कि आपको ढूंढना है कि आपको, आप उसे जानते हैं कि जिसको मलेरिया हुआ है? अगर जानते हैं तो आपको डिस्कस करना है. ओके, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? यानी कि आपको फाइंड आउट करना है कि इसको मलेरिया हुआ है और किस तरह से हुआ है. व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव एंड हैविंग मलेरिया? यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिम्टम्स होते हैं कि कैसे हमें मलेरिया होता है, तो आपको जिसे मलेरिया हुआ है उससे पूछना है कि आपको कोई किस किस टाइप्स की प्रॉब्लम हुई थी. फीवर आया था, कोल्ड हुआ था, किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स हुई थी आपको जब मलेरिया हुआ था? व्हाट अदर डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटोस बाइट्स? यानी कि दूसरा कुछ भी होता है मलेरिया? इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? यानी कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर मॉनसून में ही मलेरिया स्प्रेड होता है. बिकॉज ऑफ रेनी सीजन्स मलेरिया फैलता है और बहुत सारी गंदगी भी फैलती है. इसकी वजह से मॉस्किटोस भी बढ़ते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी इलनेस स्प्रेड होती है. तो आपको डिस्कस करना है कि किस सीजन्स में कॉमनली मलेरिया स्प्रेड्स होते हैं. व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोस? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट वॉट दे डू. यानी कि अगर हमारे घर में ज़्यादा मॉस्किटोस बढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए मॉस्किटोस को किल करने के लिए? आपको आपके घर को पूरा क्लीन करना चाहिए, फिनाइल से हमें पोछा लगाना चाहिए ताकि हाउस फ्लाइज और मॉस्किटोस दूर रहे. क्योंकि ऐसी बहुत सारी मॉस्किटोस को किल करने के लिए प्रोटेक्ट के लिए ट्रीट्स है. तो हमारे घर में ऑब्वियसली ऑल आउट्स की अब तो पूरी सुविधाएं रहती है. तो जब शाम का 6 बजे का समय है तब जब मॉस्किटोस कॉमनली जब शाम के 6 बजते हैं, जब सनशाइन होता है तभी मोस्ट ऑफ मॉस्किटोस आते हैं. क्योंकि अंधेरे में मॉस्किटोस ज़्यादा बाइट करते हैं. तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो जब आप जब तक आप सोते नहीं हैं तब तक आपको लाइट्स जला कर रखनी चाहिए. क्योंकि उससे मॉस्किटोस कम रहते हैं, होते हैं बट इतने नहीं होते जितने अंधेरे में मॉस्किटोस हमें बाइट करते हैं. क्योंकि अंधेरे में मॉस्किटोस का डर ज़्यादा रहता है. ओके, देन वन हुआ फिनाइल से पोछे लगाना चाहिए. देन ऑल आउट्स हमें ऑन रखना चाहिए. अगर कोई भी बेबी है तो रोल ऑन आता है, रोल ओवर आता है, जो हमारे कपड़े पर ऐसे रोल ऑन करते हैं तो मॉस्किटोस हमसे दूर रहता है. पछी और उसके बाद लोशंस आते हैं जिसको मॉस्किटोस दूर रहते हैं, मॉस्किटोस हमें काटते नहीं हैं. अगर बहुत सारे मॉस्किटोस हैं तो लोशंस का डॉक्टर की एडवाइस लेके यूज़ करना चाहिए. तो अगरबत्ती आती है, अब तो इतनी इन्वेंशन हो चुकी है कि अगरबत्ती भी अब हम धुएं वाली नहीं आती, नेचुरल इंसेंस आती है तो वो यूज़ करनी चाहिए. अगर आपको कोई भी अगर मोर यूजेस आपको पता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोस, तो आपको वो आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. और आपको फ्रेंड्स से भी पूछना है कि अगर आपके घर में मच्छर है तो आप क्या ट्रीट करते हो. ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना है. किसी को मलेरिया हुआ है तो उसके आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है और डिस्कस करना है. और आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है, आपकी अपनी योर सेल्फ को आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, डन. देन क्लिनिकली विकृत रिपोर्ट. यानी कि यहाँ पर एक रिपोर्ट दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सीन, रजत नाम का, रजत ने, रजत की जो स्टोरी थी उसका रिपोर्ट यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है. कैसा होता है रिपोर्ट यहाँ पर देखो, नेम, देन एज, गर्ल या बॉय, मेल, रोग की पहचान और डायग्नोसिस, फीवर विथ चिल्स एंड रिगोस, यानी कि ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार, यानी कि मलेरिया होता है उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है. इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड लगती है अगर आप उसे 3-4 कंबल भी अगर उसे उठा दो तो फी उसको ठंड लगती है. अंदर से ही इतनी शरीर में उसे ठंड लगती है, मलेरिया होता है उसे. ओके,
यानी कि मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, यानी कि हमारे खून उसके खून में रजत के खून में मलेरिया पाया गया है, ऐसी रिपोर्ट प्यूरी यहाँ पर आपको देखने के लिए दी हुई है। आपको देखनी है कि कैसी रिपोर्ट्स होती है। ओके, लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर, यानी कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दी हुई है वो आपको देखनी है। विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट पर्सन हैज मलेरिया, यानी कि कौन सा वर्ड रिपोर्ट में ऐसा है कि हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पर लिखा हुआ है मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड टेस्ट, यानी कि खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं। और एक बार फीवर विथ चिल्स एंड रिवर्स, यानी कि पूरे हाथ ऐसे कांपते हैं, उसके साथ हमें ठंड भी लगती है, तो ऐसे भी हमें मलेरिया हुआ है वो हमें पता चल जाता है। ओके, टू पॉइंट्स से आपको पता चल जाता है, एक तो आपको रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि ब्लड टेस्ट में आपको मलेरिया हुआ है, और फीवर विथ चिल्स एंड रिगोर्स, यानी कि ठंड के साथ आपको फीवर है, तो वो भी मलेरिया के सिम्टम्स है। ओके, मेडिसिन फॉर मलेरिया फ्रॉम अर्ली सॉरी द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिंचोना ट्री वॉज यूज्ड टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, यानी कि मलेरिया की जो मेडिसिन है वो कैसे बनती है, ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ दी सिंचोना ट्री, यानी कि सिंचोना नाम का जो ट्री है उसमें से उसका जो पाउडर है वो यूज होता है मलेरिया की मेडिसिन बनाने के लिए। वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, अर्लियर पीपल यूज टू बॉइल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द पॉटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट्स, नाउ टेबलेट्स आर मेड फॉर दिस, यानी कि अब तो पहले तो पाउडर्स दिए जाते थे बट अब तो टेबलेट्स आ चुकी है, तो मलेरिया की डॉक्टर के एडवाइस के मुजब से आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते थे, ब्लड टेस्ट कैसे किया जाता है और ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो कैसा होता है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और आपको मलेरिया से कैसे बचना है, मॉस्किटोज को कैसे आपको रोकना है, कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, अपनी खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में आपको सर्च करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।